नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो आज है तारीख 22 जनवरी और इस वीडियो में हम देखेंगे आज के ट्रेड सेटअप को। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल बनाए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे डेली मार्केट अपडेट्स को सबसे पहले पाने के लिए आप इसे अभी से सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को आप जरूर ऑन रखें ताकि जब हम अपने वीडियोस को अपलोड करें आपको इसकी जानकारी सबसे पहले दिखाई दे। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं यूएस मार्केट को तो यहाँ पे कल हमें ऑलमोस्ट एक फ्लैट ट्रेंड दिखाई देता है, जिसके बाद हम क्रूड और गोल्ड को यहाँ पे कंसोलिडेट होता हुआ देख पा रहे हैं। यहाँ पे क्रूड $55 के ऊपर ट्रेड कर रहा है जबकि गोल्ड हमें $1865 के रेट पे यहाँ पे ट्रेड होता हुआ दिखाई देता है। करंटली हम इंडियन रुपी को अभी भी 73 के लेवल्स पे यहाँ पे डॉलर के मुकाबले ट्रेड होता हुआ देख सकते हैं, जिसके चलते यहाँ पे आज आपको एशियन मार्केट में एक फ्लैट ओपनिंग यहाँ पे दिखाई दे सकता है, क्योंकि सिंगापुर बेस्ड एसजेएक्स निफ्टी हमें अभी भी 14,600 के ऊपर ट्रेड होता हुआ दिखाई देता है और निफ्टी का जो फ्यूचर्स है उसे 14,585 पे यहाँ पे ट्रेड होता हुआ देखा जा सकता है। और अगर एडीआई लेवल्स को देखा जाए तो यहाँ पे ज्यादातर केसेस में आपको एक प्रॉफिट बुकिंग आज यहाँ पे दिखाई दे सकता है, जबकि हम अभी भी टाटा मोटर्स में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश साइड को यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैश मार्केट में अभी भी एफआईआई एज ए नेट बायर्स के तौर पे हमें दिखाई देते हैं, जबकि डीआईआई के साइड से हमें नेट प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और डेरिवेटिव में हम अभी भी यहाँ पे मार्केट में एक नेट बाइंग को यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ओवरऑल मार्केट आउटलुक के बारे में तो यहाँ पे आपको निफ्टी का जो फ्यूचर्स है उसमें थोड़ी सी गिरावट यहाँ पे अभी के लिए देखने को मिलेगा। करंटली ये 14,639 पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, जिसके चलते आज आप निफ्टी को फिर से 14,600 का जो लेवल है उसे रिक्लेम करता हुआ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे निफ्टी का जो पुट एंड कॉल रेशियो है उसमें भी लगातार एक गिरावट को देखा जा सकता है, जिसके चलते यहाँ पे मार्केट यहाँ पे इवन फ्लैट ओपन होता है इसके बाद यहाँ पे आप एक अपसाइड आज दिन के दौरान एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कुछ रिजल्ट्स के बारे में तो यहाँ पे एसबीआई कार्ड का जो Q3 रिजल्ट है उसमें थोड़ी सी हमें कंसर्न्स यहाँ पे दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसके रेवेन्यू में अराउंड 3% का एक डिक्लाइन यहाँ पे देखा जा सकता है। ओवरऑल नेट प्रॉफिट हमें 52% यहाँ पे घटता हुआ दिखाई देता है, जबकि हम नेट एनपीएस को अभी यहाँ पे 0.56% पे यहाँ पे देख सकते हैं। ग्रॉस एनपीए हमें यहाँ पे घटते हुए 1.61% पे दिखाई देता है, जबकि इसका जो कैपिटल एडिक्वेसी है उसे 23.7% पे यहाँ पे देखा जा सकता है। यहाँ पे इसका जो टोटल अकाउंट वॉल्यूम है उसमें 8% का एक जंप को देखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जो मेन कंसर्न की बात है वो है इसकी प्रोविजनिंग। इस बार काफी ज्यादा प्रोविजनिंग के चलते हमें इसके प्रॉफिट्स में इतना बड़ा डिक्लाइन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं आवास फाइनेंशियल के ऊपर तो यहाँ पे इसके नेट इंटरेस्ट इनकम में इस बार 34% का एक जंप को देखा जा सकता है, जबकि नेट प्रॉफिट हमें 26% यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। बैंक यहाँ पे इस एनबीएफसी का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है उसमें भी 22% का एक जंप को देखा जा सकता है, जबकि इसके ग्रॉस और नेट स्टेज एसेट्स में यहाँ पे एक मार्जिनल इंप्रूवमेंट हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे कलेक्शन एफिशिएंसी दिसंबर के महीने में 98.8% पे देखा गया है और डिसबर्समेंट यहाँ पे ईयर ऑन ईयर हमें 2% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 15% यहाँ पे इम्प्रूव होते हुए इस बार हमें देखने को मिलते हैं, जिसके चलते आज इस स्टॉक में आपको एक अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगला अगर हम बात करते हैं जेके टायर्स के बारे में तो यहाँ पे रेवेन्यू में 22% और नेट प्रॉफिट में 110% का एक सिग्निफिकेंट अपसाइड यहाँ पे देखा जा सकता है। EBITDA में यहाँ पे 41% और EBITDA मार्जिन में इस बार अराउंड 2.5% का एक जंप यहाँ पे हम इस बार देख सकते हैं। इंडियन बिजनेस यहाँ पे 22% यहाँ पे रेवेन्यू के मामले में बड़ा है, जबकि मेक्सिको में इसके रेवेन्यू हमें 31% के मार्जिन से यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तो इस स्टॉक के ऊपर भी आप सबकी नजर यहाँ पे बनी रहनी चाहिए। और अगला जो स्टॉक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है बायोकॉन का। इसके Q3 रिजल्ट में हमें इसके रेवेन्यू फ्रंट पे अराउंड 8% जबकि
नेट प्रॉफिट में अराउंड 19% का एक डाउन साइड यहाँ पे दिखाई देता है। रेवेन्यू 8% बढ़ा है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट घटने के वजह से ओवरऑल इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी यानी EBIT यहाँ पे जो मार्जिन है वो हमें काफी ज्यादा इम्पैक्ट होते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पे मार्जिन में अराउंड 4-5% का एक डिक्लाइन को देखा जा सकता है, जबकि EBITDA हमें इस बार 10% की अपसाइड के साथ ग्रो होता हुआ देखने को मिलता है। और हम अगर इसके रेवेन्यू फ्रंट पे बात करें तो जेनरिक बिजनेस हमें 3% नीचे घटते हुए दिखाई देते हैं, जबकि बायोसिमिलर्स हमें इस बार 11% ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हुए देखने को मिलता है। तो आज इस स्टॉक में आपको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे दिखाई दे सकती है, तो आप इसे भी अपना इंट्राडे ट्रेड के लिए आज यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एम्फेसिस के बारे में, तो यहाँ पे रेवेन्यू फ्रंट पे अराउंड 2% और नेट प्रॉफिट में अराउंड 9% का एक जंप यहाँ पे इस बार देखने को मिलता है। EBIT मार्जिन को यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट हम यहाँ पे देख सकते हैं, जबकि EBIT में इस बार 3% का एक जंप हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखने को मिल जाता है। MCX के रेवेन्यू में यहाँ पे 7% और EBITDA में अराउंड 11% का एक जंप यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जा सकता है। और इसके EBITDA मार्जिन में इस बार अराउंड 1.4% का एक जंप यहाँ पे देखने को हमें मिलता है। नेट प्रॉफिट में 29% का एक जंप है, जिसके चलते आज इस स्टॉक में आज आपको एक अपसाइड यहाँ पे दिन के दौरान दिखाई दे सकता है। और फाइनली अगर हम बात करते हैं कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स के बारे में, तो यहाँ पे वेदांता का जो माइंड मेटल प्रोडक्शन है वो Q3 में हमें ईयर ऑन ईयर 4% के मार्जिन से यहाँ पे ग्रो होता हुआ दिखाई देता है, जबकि कर्नाटका के आयरन ओर से प्रोडक्शन के मामले में यहाँ पे हमें 21% का एक जंप यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जबकि पिग आयरन के प्रोडक्शन में इस बार 19% का एक डिक्लाइन यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। टोटल सेलेबल प्रोडक्शन स्टील का जो रेट है वो हमें 7% के मार्जिन से यहाँ पे ईयर ऑन ईयर ग्रो होता हुआ दिखाई देता है, जबकि एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में हम इस बार 14% का एक डिक्लाइन यहाँ पे लालगंज रिफाइनरी में यहाँ पे देख सकते हैं। तो आज इस स्टॉक में आपको थोड़ी सी वोलेटिलिटी यहाँ पे दिन के दौरान दिखाई दे सकती है, जिस वजह से आज भी आप इस स्टॉक को ट्रेडिंग पर्पस के लिए कंसिडर कर सकते हैं। अगला न्यूज है बजाज ऑटो की ओर से। यहाँ पे कंपनी अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर चेतक को अगले 2-3 महीनों के अंदर यहाँ पे फिर से इसकी बुकिंग स्टार्ट करने के बारे में प्लान कर रही है, जिसके वजह से आज इस स्टॉक में आपको एक अपसाइड दिन के दौरान दिखाई दे सकता है। अगर हम बात करते हैं SRF के बारे में, तो यहाँ पे कंपनी का जो Q3 रेवेन्यू है उसमें यहाँ पे एक अपसाइड यहाँ पे देखा जा सकता है, लेकिन इसके प्रॉफिट में यहाँ पे एक मार्जिनल डाउनफॉल यहाँ पे हमें दिखाई देता है। यहाँ पे कंपनी का ये मानना है कोविड के बाद यहाँ पे अभी इसके ऑपरेशन फिर से प्री कोविड लेवल तक हमें पहुँचते हुए अगले कुछ दिनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ग्लोबल डिमांड यहाँ पे बढ़ने की वजह से और ओवरसीज मार्केट से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिमांड आने की वजह से यहाँ पे हमें अगले क्वार्टर में इसके नतीजे और भी अच्छे आते हुए यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। अगर हम बात करते हैं HDFC बैंक के बारे में, तो यहाँ पे SEBI की ओर से बैंक के ऊपर 1 करोड़ का एक पेनल्टी यहाँ पे नॉन कम्प्लाइंस के वजह से यहाँ पे डाला गया है, जिसके वजह से आज स्टॉक में थोड़ी सी बियरिश साइड आपको यहाँ पे दिखाई दे सकती है। और बात करें अगर श्रीराम ट्रांसपोर्ट सिटी यूनियन के बारे में, तो यहाँ पे कंपनी अपने सिक्योर प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड मार्केट लिंक्ड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स यहाँ पे मार्केट में अगले कुछ दिनों के अंदर लॉन्च कर सकती है, और इससे कंपनी को अराउंड 125 करोड़ यहाँ पे फंड रेज करने में काफी मदद मिलने वाला है, और ये 150 करोड़ सेपरेटली प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे यहाँ पे मार्केट से रेज करने वाली है। और अगर फाइनली अगर हम बात करते हैं आज के रिजल्ट के बारे में, तो यहाँ पे आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जो मार्केट को यहाँ पे कंट्रोल कर सकता है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का रिजल्ट। और अगले कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट में हम यहाँ पे HDFC लाइफ, SBI लाइफ और JSW स्टील जैसे कुछ ब्लू चिप कंपनीज का नाम यहाँ पे देख सकते हैं। और दूसरे नॉन निफ्टी कंपनीज में आपको यहाँ पे अंबुजा, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, इंडियन बैंक, ग्लैंड फार्मा, मंगलम ऑर्गेनिक्स, यस बैंक जैसे कुछ स्टॉक्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे।
तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ऐसे इंपॉर्टेंट डेली मार्केट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए। तो तब तक के लिए मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।